Hello future doctors, welcome to ATP Star, the super learning platform. Guys, I hope you all are doing very well और NEET 2021 के result का इंतजार सभी students को है. तो बच्चों, आज के इस session में हम यही discuss करने वाले हैं कि कब तक आ सकता है NEET 2021 का result. क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे के सारे इवेंट्स, जो भी एग्ज़ाम का डेट है या उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है, उसके अलावा आंसर की आने वाली प्रोसेस है या ओएमआर रिलीज़ करने वाली प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस जो है उसमें डिले आपको देखने को मिला है. तो ऑब्वियसली नीट के रिजल्ट में भी डिले होगा. पहले हम एस्टिमेट कर रहे थे कि लास्ट ईयर नीट का रिजल्ट जो है वो आ गया था कब, 16th of October को. तो हमें लग रहा था कि इस बार भी 15th October के आसपास नीट का रिजल्ट आ जाएगा. लेकिन जो अभी तक सारे के सारे प्रोसीजर चल रहे हैं डिलेड, उसकी वजह से लग रहा है कि बच्चों नीट का रिजल्ट जो है वो और भी डिले हो सकता है या सिग्निफिकेंटली डिले हो सकता है. तो कितना डिले हो सकता है, बात करते हैं उसके बारे में, डिस्कस करते हैं. उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. यदि आप कोटा आकर के हमसे ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एकलव्य फेज 2 के बैचेस. जो बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 14th of October से, और उसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी चल रहा है. तो बच्चों, आप इस बैच में स्कॉलरशिप ऑब्टेन करने के लिए जो गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप फिल कर दें, ठीक है बच्चों, और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है. चलो बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि आखिर कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं कि नीट 2021 का रिजल्ट कब तक आएगा. तो यदि हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कि आपको पता है कि फेज 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड हो गया है. कब तक होने वाला है, 13th of October को होने वाला है. यानी 13th of October तक तो रजिस्ट्रेशन ही फेज 2 का स्टार्ट होगा. फिर उसके बाद आपको पता है कि जो OMR है वो मेल की जाएंगी, आपके पास OMR जो है उनको मेल किया जाएगा. तो कहीं ना कहीं OMR रिलीज कब होगा, उसके बाद ही होगा, यानी 13 के बाद होगा. मान लेते हैं कि 15 तक हो जाता है, यानी रिजल्ट 15 तक आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है. अभी तो प्रोविजनल आंसर की आना बाकी है, उसके बाद में OMR रिलीज होगा. स्टूडेंट्स जो है उनको यदि किसी क्वेश्चन में चैलेंज करना है तो वो चैलेंज कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा टाइम तो लेता है. अब बात आती है कि चलो OMR मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद में NTA जो है वो OMR रिलीज कर देगा. तो OMR आने के कितने टाइम बाद हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगेन क्या करते हैं, लास्ट ईयर वाली टाइमलाइन पे चलते हैं. कि लास्ट ईयर यदि हम बात करें तो 5th of October को आपका OMR जो है वो रिलीज हुआ था. क्या आपको याद है कि 5th October को क्या हुआ था, OMR रिलीज हुआ था 2020 में, और रिजल्ट कब आया था, 16th of October को क्या हुआ था, आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था. तो ये तो 2020 के अकॉर्डिंग चल रहा है. 2021 में अभी OMR भी रिलीज नहीं हुआ, यदि हम उस डेट के अकॉर्डिंग देखते तो 5th के अराउंड हो जाना चाहिए. तो यानी कि यदि हम देख रहे हैं कि 15th October तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि OMR रिलीज होगी, तो कम से कम 10 दिन का गैप जो है वो रिजल्ट आने में भी होगा. यानी 15th के बाद 10 डेज 25 से भी आगे चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लग जाए. यानी अभी हमको ऐसा लग रहा है बच्चों कि जो नीट का रिजल्ट है वो 15th October तक नहीं आएगा, बल्कि अक्टूबर एंड तक आएगा. यानी अब चांसेस क्या लग रहे हैं बच्चों कि रिजल्ट जो है वो एंड ऑफ अक्टूबर में आने के पूरे चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है. तो बात क्लियर हो गई. यानी बहुत हड़बड़ी में यदि आप सोच रहे हो कि बस आने वाला है रिजल्ट, आने वाला है, तो नहीं, इसमें टाइम लग सकता है. ये अक्टूबर एंड तक भी शिफ्ट हो सकता है. तो इस ड्यूरेशन में वो बच्चे जिनको अपना रिजल्ट ऑलमोस्ट पता है, रिजल्ट मीन्स क्या, जिनको अपने मार्क्स ऑलमोस्ट पता है कि सपोज वो 300, 400, 500 ऐसे मार्क्स पे आ रहे हैं, तो फिर उन्हें अननेसेसरली रिजल्ट का बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है. यानी जो भी प्लानिंग वो आगे कर सकते हैं वो प्लानिंग अपना स्टार्ट कर दें. यानी यदि उन्हें नीट 2022 के लिए टारगेट करना है तो अपनी 22 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, या फिर कुछ अदर स्ट्रीम में, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाना है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लें, और यदि कुछ अदर कोर्सेज में जाना है जो नीट के बेसिस पे, तो फिर तो उन्हें रिजल्ट का वेट करना ही पड़ेगा.
ठीक है, तो जो स्टूडेंट कम स्कोर कर रहे हैं या 550 के आसपास भी स्कोर कर रहे हैं, वो अपना प्लानिंग कर लें, क्योंकि आप रिजल्ट के लिए बैठे रहोगे ना तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा टाइम जो है वो आपका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए रिजल्ट का अननेसेसरीली वेट करते हुए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उस टाइम को यूटिलाइज करना है। और यदि नीट 2022 टारगेट है जिन भी स्टूडेंट का, वो बिल्कुल अभी रिजल्ट के लिए 15 दिन 20 दिन खराब ना करें, अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम के लिए टाइम काफी कम बचा हुआ है। इतना ड्यूरेशन यदि आप यहाँ पर सिर्फ वेट करने में खराब कर देंगे तो आगे की जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो जरूर से उससे अफेक्ट हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आप एकदम प्रिपेयर रहिए, जिन भी बच्चों का टारगेट फिक्स है वो अपने टारगेट पे लगे रहिए, और बैठ करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट होगा आगे, और ये 25 अक्टूबर के बाद में ही चांसेस लग रहे हैं कि आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी, आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि क्यों रिजल्ट जो है उसमें डिले होने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ में। आपने यदि एटीपी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर से करें। ऑल द बेस्ट।